मुस्लिम महिला पर रेप क्यों नहीं होते? एक सीधा और सरल सा सवाल था, मुस्लिम महिला पर रेप क्यों नहीं होते? इसके कई कारण हैं। पहला, मुस्लिम महिलाएं अपनी मर्यादा जानती हैं, वो अपनी मर्यादा में रहती हैं। पब्लिक, बाजार, सामूहिक कार्यक्रमों में अनजान लोगों से बेवजह हंसती बोलती नहीं हैं। उनके वस्त्र शालीन होते हैं, उस पर भी वो काला बुरखा पहनकर घूमती हैं। इस कारण से पुरुषों को आकर्षित नहीं कर पाती। मुस्लिम महिला अगर किसी उच्च पद पर है, डॉक्टर हो, वकील हो, चाहे कितनी भी बड़े पद पर आसीन हो, तब भी वो अपने मजहब का आदेश नहीं त्यागती, हिजाब पहन कर ही बाहर निकलती है। इसके विपरीत हिंदू औरतों को शादी, पार्टी, अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में छोटे ब्लाउज, कमर से नीचे साड़ी पहनना, अपने शरीर का दिखावा करना, इसमें अपनी शान समझती हैं। गोलगप्पे वाला, फेरी वाला, सब्जी के ठेले वाला, बाजार का कोई भी दुकानदार आपकी इन हरकतों को किस नज़र से और कहां से देख रहा है, जरा भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर टोक दिया जाए तो उनकी आज़ादी खतरे में आ जाती है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप अपने शरीर का दिखावा करें। इस बात से ये मतलब नहीं निकालें कि सारे दोष आपके हैं, लेकिन बढ़ावा तो आप ही दे रही हैं, चाहे वो अनजाने में हों या जानबूझकर। हिंदू महिलाओं को सब कुछ करना है जो पुरुष करता है, उसको गाली देना है, देर रात तक घर से बाहर घूमना है, दारू पीना, सिगरेट पीना, और सब कुछ वो करना पसंद है जो पुरुष करते हैं, यानी कि घटियापन। मुस्लिम महिलाएं अपनी बेटियों को यही शिक्षा देती हैं, कम उम्र लड़कियों को गलत पहनावा, गैर मजहबी से मेल मिलाप, बातचीत से रोकती हैं। ये वो कारण हैं जो मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षित रखते हैं। औरत की इज्जत उनके हाथ में होती है। जितनी सुरक्षा औरत अपने आप को दे सकती है, उतना कोई नहीं दे सकता। आप मानव सृष्टि की जननी हो, कुछ तो सोचो। अंग प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं आप अनैतिकता को बढ़ावा देती हैं। और आप जैसी और बॉलीवुड की अंग प्रदर्शन करने वाली अभिनेत्रियों से लाख दो गुना अच्छी तो वो वेश्याएं हैं जो जिस्म बेचती हैं और ना जाने कितनी बहन बेटियों को अनैतिक संबंध के रास्ते पर जाने से बचा लेती हैं। नारी शक्ति की जय हो। वंदे भारतम। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।